हाय फ्रेंड्स, आसान वेज चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम बात करने वाला है आरआरबी जेई और डीएमएस और सीएमए पोस्ट की सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारी न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आरआरबी जेई डीएमएस और सीएमए मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मैटेगोरिकल असिस्टेंट वैकेंसी की पोस्ट जो है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है उसके बारे में हम बात करने वाला है। तो चलिए, सिलेक्शन प्रोसीजर्स फ्रेंड्स फोर स्टेज में होगा। पहला स्टेज है CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। इस फर्स्ट स्टेज में आपको फ्रेंड्स MCQ टेस्ट देना होगा, मतलब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। इसका जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, फोर सब्जेक्ट रहेगा, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और थर्ड है जनरल अवेयरनेस, फोर्थ है जनरल साइंस। इस फोर सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट जो टेस्ट है CBT का, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसी सब्जेक्ट के भीतर से आपको आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टेस्ट को क्लियर करते हैं तो उसके बाद आएगा सेकेंड स्टेज के आपको जो है वो भी फ्रेंड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, मतलब MCQ। इसका जो सब्जेक्ट है इसका भी से फ्रेंड्स फोर्थ सब्जेक्ट है। फर्स्ट है इसका जनरल अवेयरनेस, सेकेंड है फिजिक्स और केमिस्ट्री, थर्ड है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, फोर्थ है फ्रेंड्स बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, फिफ्थ है टेक्निकल एबिलिटीज। फ्रेंड्स, इसी पाँच सब्जेक्ट के ऊपर आपको सेकेंड जो CBT टेस्ट है वो होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर इसी सेकेंड स्टेज को आप क्लियर करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है फ्रेंड्स, वो आपको सारी डॉक्यूमेंट्स, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना होगा। किसी फॉर्मेट में दिखाना होगा वो नीचे है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फ्रेंड्स नोट कीजिए। एक है मैट्रिकुलेशन और हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एस पोर्ट ऑफर और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, सेकेंड है फ्रेंड्स आपको 10+2 प्लस इंटर और हायर सेकेंडरी और PUC का एस एप्लीकेबल जैसा चाहिए वैसा ही सर्टिफिकेट देना होगा। थर्ड फ्रेंड्स है डिप्लोमा और इंजीनियरिंग और साइंस डिग्री का जो सर्टिफिकेट है सारे, और सेमिस्टर वाइज आपको मार्कशीट देना होगा। उसके बाद SC और SC सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आपको वो भी दिखाना होगा। थर्ड है OBC NCL सर्टिफिकेट आपको देना होगा, सॉरी। सिक्स्थ है नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स। उसके बाद सेवेंथ, इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लासेस। एट है फ्रेंड माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। सो फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट को आपको प्रोड्यूस करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है फ्रेंड्स, इसका पार्ट A, B, पार्ट A1, पार्ट B1 और पार्ट B2 और पार्ट C1 में आपको होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था RRB JEE DMS और CMA पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर। इसी के भीतर में आपको सिलेक्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट कीजिए अगर आपको कैसा लगा इस वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आज, इतना ही। थैंक यू।